नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी खबर। सीकर में 10 तारीख रविवार को रामनवमी की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सीकर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिए। धारा 144 व्यवस्था बनाने के लिए लगाई गई, न कि आयोजन रोकने के लिए, क्योंकि लोगों में अफवाह फैल रही है कि यह एक आयोजन को रोकने के लिए ये धारा 144 लगाई गई है। आपको बता दें कि धारा 144 व्यवस्था बनाने, कानून व्यवस्था बनाने के लिए लगाई गई है और समय समय पर हर क्षेत्र में लगाई जाती है, और इस अफवाह पर ध्यान न दें और रामनवमी में भाग लेकर आप आयोजन को बड़े धूमधाम से मनाएं। जैसा कि सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने धारा 144 लागू कर दी है और उन्होंने कहा है कि अफवाह पर ध्यान न दें, उनके हर निर्देश का आप पालन करें, क्योंकि रामनवमी का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। साथ ही अपनी कब्र पर भी रामनवमी का आयोजन दिखाया जाएगा, इसलिए आप अपनी कब्र को भी विजिट करते रहें। धन्यवाद। मीडिया पे इस तरह की खबरें चलती हुई देखी कि आज जो हमने धारा 144 का ऑर्डर निकाला है वो जुलूस को रोकने के लिए है या जुलूस की अनुमति को कैंसिल करने के लिए है। ये सरासर झूठ है और एकदम ही फर्जी खबर है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धारा 144 एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है जो सभी मेजर इवेंट्स के पहले लगाई जाती है, चुनावों में भी लगाई जाती है और जितने भी बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या अन्य कार्यक्रम होते हैं या कोई बड़ी वीआईपी विजिट होती है, इन सब में कोई सभा होती है, जनसभा होती है, सब में धारा 144 इसलिए लगाई जाती है ताकि व्यवस्थाओं को सही तरीके से मूर्त रूप दिया जा सके। जो अनुमति इसकी जुलूस की है उसके लिए आयोजकों से लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है, बहुत पहले से हम लोग मीटिंग करते आ रहे हैं और आयोजकों को इस बारे में कोई भ्रांति नहीं है कि किसी तरह के जुलूस को कोई रोकने की कोई कार्रवाई की जाएगी।